हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन शिक्षण पर। दोस्तों, DSSSP PRT प्रीवियस पेपर की इस मास्टर सीरीज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस मास्टर सीरीज़ में हम अभी CDP के प्रीवियस ईयर पेपर्स को लगा रहे हैं, और वो भी चैप्टर वाइज। इसके अलावा दोस्तों, आप सब ने कल की इन्फॉर्मेशन या अपडेट देख ही ली होगी। DSSSP की तरफ से यहाँ पर नोटिफिकेशन रिक्रूटमेंट के आने शुरू हो गए हैं, जिसमें अभी तक TGT PGT है ना, इन सब के रिक्रूटमेंट या वैकेंसीज आप कह लीजिए आ चुकी है, और बहुत ही जल्द PRT की भी वैकेंसीज आपको देखने को मिल जाएगी। लेकिन उससे पहले आपको अपनी तैयारी रखनी है। खाली वैकेंसी आने से काम नहीं चलेगा, अगर आपकी तैयारी नहीं होगी तो फिर आपको वही लो कॉन्फिडेंस का सामना करना पड़ेगा। और अगर आप अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाना चाहते हैं, साथ ही साथ अपनी टॉपिक्स पर पकड़ बनाना चाहते हैं कि भाई हमें पता हो कि CDP का जो इतना हवा बना हुआ है मार्केट में कि भाई कहाँ से क्या पढ़े, कितना पढ़े, उस इतना डरने की तो ज़रूरत है ही नहीं। और वो कब पता चलेगा? जब आप लगा लेंगे प्रीवियस ईयर पेपर। तो आपके काम को आसान मैं बना रही हूँ, आपके लिए हर क्वेश्चन को डिटेल्ड हम समझते हैं, डिस्कस करते हैं, तब आगे बढ़ते हैं। तो चलो, समझदार को इशारा काफ़ी है। आई होप आपकी समझ में आया होगा कि मैं कहना क्या चाहती हूँ। चलिए फिर शुरुआत करते हैं आज की अपने इस क्लास की, और आज के पहले प्रश्न पर हम आगे बढ़ते हैं। इससे पहली क्लासेस को अगर आपने मिस कर दिया है तो डियर प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर अभी तक की जितनी 15 क्लासेस प्रीवियस ईयर पेपर की हो चुकी है वो आपको सारी मिल जाएंगी, तो वहाँ से आप देख लीजिएगा। चलिए, पहले क्वेश्चन में पूछा गया है, पियाजे बिलीव्स दैट चिल्ड्रन क्रिएट मेंटल स्ट्रक्चर इन देयर माइंड्स, वॉट आर दे कॉल्ड एज। यानी पियाजे का मानना है कि बच्चे अपने मन में कुछ मानसिक संरचना का निर्माण करते हैं। उस मानसिक संरचना, उस मेंटल स्ट्रक्चर को उन्होंने क्या नाम दिया? पहला है आवास, दूसरा है स्कीमा, तीसरा है संहिता, या फिर आत्मसातकरण। जी, आप अपने अकॉर्डिंग कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहिएगा। यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा स्कीमा, है ना? समझे कि ना समझे? बिल्कुल समझे। तो यहीं पर स्कीमा क्या होता है? बालक जो अपने मस्तिष्क में किसी भी विषय वस्तु को लेकर के उसके प्रति एक जो धारणा बना लेता है, उसी को हम स्कीमा कहते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने, ये भी 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है, एरिक्सन की थ्योरी से आया है। एरिक्सन के सिद्धांत के अनुसार बच्चा कपड़े पहनने, खिलौनों से खेलने जैसे कौशल को रोकता है। इस अवस्था में बच्चा किस मनोसामाजिक संकट से गुजरता है, है ना, कि खुद से कपड़े पहनने, खिलौनों से खेलने जैसे कौशल से वो गुजरता है। तो ऐसा कौन सी स्टेज में होता है? एरिक एरिक्सन ने जो अपनी 8 स्टेजेस बताई है या एक्सप्लेन की है, उनमें से वो कौन सी है? पहला ऑप्शन है पहल के सामने आत्मग्लानि, जिसको हम कहते हैं इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, ठीक है। दूसरा है विश्वास के सामने अविश्वास, ये जिसको हम कहते हैं ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। तीसरा है उद्योग के सामने हीनता, जिसको हम कहते हैं इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियरिटी। और चौथा है स्वायत्तता के सामने शर्म, यानी ऑटोनोमी वर्सेस शेम। यानी या तो बच्चा खुद से प्रयास करेगा या फिर उसको शर्म महसूस होगी अपने काम को करने में, ठीक है, कर नहीं पाएगा। तो आप बताइए आपके अनुसार क्या हो जाएगा सही जवाब। अगर हम यहाँ पर बात करें तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जिसको हमने कहा स्वायत्तता के सामने शर्म या फिर ऑटोनोमी वर्सेस शेम, ठीक है, ऑटोनोमी वर्सेस शेम। अगर बात करें कि ये कौन सी अवस्था है, तो जो हमारे एरिक्सन महोदय ने जो ये 8 स्टेज बताई है, उनमें से सेकंड स्टेज है मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत की, ये दूसरी अवस्था है, ठीक है, जो 2 से 3 साल, ठीक है, 2 से 3 साल के बच्चे इस स्टेज में आते हैं। आगे चलते हैं, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। और जब मैं आपको पूरी थ्योरेटिकल इसकी जानकारी दूंगी तो मैं आपको एक एक स्टेज ये समझाऊंगी भी, ठीक है। चलिए, अभी हम प्रीवियस पेपर पर ही फोकस करते हैं। अगला क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा काल मूर्त संक्रियात्मक काल कहलाता है, ठीक है। मूर्त संक्रियात्मक यानी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल जो स्टेज है वो किसको कहेंगे आप? किशोर अवस्था को कहेंगे। वो आपको पता कैसे चलेगा? देखो, इस क्वेश्चन का आंसर कैसे पता चलेगा? अगर आपको पता हो कि किस एज वाले बच्चे इस स्टेज में आएंगे, ठीक है, तो आप इनमें से आंसर कर पाओगे। तो बताओ, किशोर अवस्था कहेंगे, पूर्व वयस्कता कहेंगे, या फिर बाद की बाल्यावस्था, या फिर
बचपन, 183 का आंसर आपको करना है। देखते हैं कौन अच्छे से यहाँ पर बता पाएगा। तो बिल्कुल उसको हम क्या कहेंगे, बाद का बचपन यानी लेटर चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड। अब ये बता दीजिए कि एज कौन सी है, ठीक है, किस एज से किस एज के बच्चे इसमें आएंगे, ये आपको यहाँ पर बताना है। ऑल राइट जी, चलिए जब तक आप इसमें लिखे मैं ही आपको बता देती हूँ, 7 से 11 वर्ष के जो बच्चे हैं वो इस वाली स्टेज में आ जाएंगे, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। ये कौन सी स्टेज है, ये तीसरी अवस्था है। जीन प्याजे ने जो अपना संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था उसकी ये थर्ड स्टेज है। आपको ये भी पता होना चाहिए, कई बार ये पूछ लेता है कि तीसरी है, चौथी है, पांचवी है ना। इसमें क्या होता है, बच्चे चीज़ों को या वस्तुओं को क्या कर लेते हैं, समूहों में बांटने लगते हैं उनके विशेषताओं के आधार पर, है ना, क्षेत्रफल, मात्रा, इन सब का, संख्याओं का, इन सब का बोध हो जाता है बच्चे को इस स्टेज में आते आते। चलिए फिर आगे बढ़ जाते हैं, ये भी आपका 2022 में ही आया था। गैलन का प्रस्ताव किस उपागम के अंतर्गत आता है, मनोसामाजिक उपागम जिसको हम कहते हैं साइको सोशल अप्रोच, दूसरा है जैव सामाजिक उपागम बायो सोशल अप्रोच, या फिर जैव भौतिक उपागम बायोफिजिकल अप्रोच, या फिर मनोविश्लेषणात्मक उपागम, ठीक है, साइको एनालिटिकल अप्रोच। तो गैलन के अनुसार यहाँ पर पूछा है, इसका सही जवाब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, जिसको हमने क्या कहा, बायो फिजिकल अप्रोच, ठीक है। गैलन ने शरीर के जो भीतर के अंग होते हैं उनके क्या क्या विशिष्ट कार्य है, क्या क्या उनके स्पेशल काम है जिसके लिए वे जिम्मेदार है हमारे शरीर के अंग, उस पर इन्होंने क्या किया था, काम किया था, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ जाते हैं, ये क्वेश्चन आपका होता है, अगला है आपके सामने, बहुत ही आसान सा फ्री के नंबर देने वाला क्वेश्चन आपके सामने पूछा गया है। देखो, मानव शरीर में विकास कैसे होता है, आप बता पाएंगे, अगर आपको विकास के सिद्धांत पता है तो आप बड़ी आसानी से आंसर दे दोगे, विशिष्ट से सामान्य की ओर, या सामान्य से सामान्य, या सामान्य से विशिष्ट, या विशिष्ट से सामान्य, ठीक है, फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल, जनरल टू स्पेसिफिक, जनरल टू जनरल, या फिर स्पेसिफिक टू स्पेसिफिक। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर बताइए, अपने मन में सोच लीजिए, फिर आपको मैच करना है कि क्या आपने जो सोचा वो सही है। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा सामान्य से विशिष्ट, या जिसको हम कहते हैं फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। इसमें क्या होता है, बच्चा पहले सामान्य व्यवहार करना सीखता है और फिर धीरे धीरे वो उसमें विशिष्टता हासिल कर लेता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला है, मोटर क्षमता कैसे विकसित होती है, जो बच्चे की मोटर एबिलिटी है वो कैसे डेवलप होगी, वही पूछा है, हाथों से पैरों की उंगलियों तक, कि भाई पहले हाथों का होगा फिर पैरों की उंगलियाँ, फिर या फिर पैरों की उंगलियों से सिर तक, है ना, यानी टो टू हेड, या फिर सिर से पैर की उंगलियों तक यानी सर से पांव तक, जिसको हम कहते हैं सिफेलोकॉर्डल, या फिर पैर से की उंगलियों से पेट तक। अब अगर आपने विकास के सिद्धांत पढ़े हैं तो जाहिर सी बात है दोबारा से इस क्वेश्चन का भी आंसर आप कर पाएंगे, बहुत ईजी क्वेश्चन आपके सामने है। तो सही जवाब क्या है, एकदम सही आपने सोचा, सिर से पैर की उंगलियों तक, है ना। इसको हम क्या नाम से जानते हैं ये भी बता दीजिए, अभी अभी मैंने आपको बोला हेड टू टो, या फिर सिफेलोकॉर्डल, है ना, या लंबवत, इस तरीके से कई नामों से हम इसमें जानते हैं, बच्चे के जो शरीर होता है उसका पहले ऊपर वाला हिस्सा विकसित होता है, या फिर यूँ कह लीजिए बच्चा उस पर पहले समन्वय बना पाता है, सबसे पहले सर को संभालना सीखता है, फिर धड़ को, फिर हाथ पैर, है ना, और फिर धीरे धीरे फिर वो चलना सीख लेता है अपने पैरों पर। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि सर से पैर की ओर होता है बच्चे का विकास। आगे चल लेते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, प्याजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रियाएं क्या थी, ऑप्शन नंबर ए आवास और वृद्धि, जिसको कि हम क्या बोलेंगे, अकोमोडेशन एंड ग्रोथ, दूसरा है आत्मसात और आवास, एसिमिलेशन एंड अकोमोडेशन। आवास किसको कहा गया है, यहां पर देखिए आवास यहाँ पर अकोमोडेशन को कहा गया है, तो इंग्लिश में अगर आप इसको देखेंगे ना तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा, इसलिए हम इंग्लिश वाला ही यहाँ पर आपके सामने रखते हैं, ठीक है, ताकि आप इजीली आंसर कर पाए, क्योंकि ये चीज़ें ना हिंदी में इनके जो मीनिंग होते हैं, या फिर ये कह लीजिए कि हिंदी में इनको डिफरेंट डिफरेंट नामों से जाना जाता है, इंग्लिश में देखोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा ये क्वेश्चन। व्हाट वर द प्रोसेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू प्याजे, अकोमोडेशन और ग्रोथ के बारे में इन्होंने अपने सिद्धांत में बात करी थी,
या एसिमिलेशन और अकोमोडेशन के बारे में, या एसिमिलेशन और डेवलपमेंट के बारे में, या कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी के बारे में इन्होंने बात करी थी। तो दो टर्म्स इसमें, या यूँ कह लीजिए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, बड़ा ही आसान है। अगर आपको ध्यान हो अकोमोडेशन और एसिमिलेशन, तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अब सबसे पहले हम एसिमिलेशन की बात कर लेते हैं। एसिमिलेशन को क्या कहते हैं? आत्मसात करना। क्या कहते हैं एसिमिलेशन को? आत्मसात करना। इससे आप क्या समझते हैं? यानी जो बच्चा पहले से अगर कुछ जानता है और उसको नई कोई जानकारी मिलती है, ठीक है, अब उस नई जानकारी को वो अपनी पुरानी जानकारी में क्या कर लेता है? एज इट इज़ उसको ऐड कर लेता है बिना किसी बदलाव के। ठीक है, कोई पुरानी जानकारी थी, फिर उससे संबंधित उसको नई कोई जानकारी मिली, तो उसने उसको भी उसमें क्या कर लिया? समावेश कर लिया उसका, या फिर यूँ कह लीजिए उसको एसिमिलेट कर लिया, आत्मसात कर लिया बिना किसी चेंज के। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरी टर्म की, जिसको हम कहते हैं अकोमोडेशन। अकोमोडेशन को हम क्या कहेंगे कि जब बच्चा अपनी पुरानी जानकारी के गलत होने पर उसको चेंज करके नया स्कीमा जब बनाता है, वो अकोमोडेशन कहलाता है। यानी इसमें क्या छिपा हुआ है? चेंज छिपा हुआ है। ठीक है, एडजस्ट लिखा होगा तो भी हम इसको ही करेंगे, एडजस्ट या मॉडिफाई करता है जब पुरानी जानकारी को, है ना, तो यहाँ पर वो हो जाएगा अकोमोडेशन। इन दोनों के बारे में इन्होंने बात करी थी। चलिए अब हम आगे बढ़ जाते हैं। आई होप आपको ये दोनों के मीनिंग अच्छे से क्लियर हुए होंगे। अगला है वृद्धि और विकास के डैश सिद्धांत है। कितने डैश सिद्धांत है? जिनमें से एक सेफेलोकोडल सिद्धांत है। ठीक है, वृद्धि और विकास के कितने सिद्धांत है ये आपको बताना है। 6, 3, 5, 2 बताइए। 188 क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 3। ठीक है, 3 ऐसे आप कह लीजिए सिद्धांत है, प्रिंसिपल्स हैं वृद्धि और विकास के, जिनमें से एक है सेफेलोकोडल, दूसरा क्या हो जाएगा? प्रोक्सिमोडिस्टल। ठीक है, जिसमें हम कहते हैं कि बच्चे का जो विकास है वो केंद्र से बाहर की ओर होता है। ठीक, और तीसरा क्या हो जाएगा? ऑर्थोजेनिक प्रिंसिपल। ऑर्थोजेनिक प्रिंसिपल में क्या होता है? इसमें आता है कि बच्चा जो है, या फिर यूँ कह लीजिए, इसमें सिंपल टू कॉम्प्लेक्स डेवलपमेंट होता है बालक का, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, या फिर यूँ कह लीजिए बच्चा पहले सिंपल टास्क को करना सीखेगा, उस पर मास्टरी हासिल करेगा, फिर धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स चीज़ों को भी वो करने लगता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। आगे चलते हैं, नवजात एक दिन में कितने घंटे सोता है? तो देख लो, आप सभी के लिए ज़रूरी है। ठीक है, जिनके बाल बच्चे हैं उनको तो पता होगा, जिनके नहीं हैं तो वो ध्यान रखो। ठीक है, क्वेश्चन को आपके काम आएगा। अब जो नवजात शिशु है, अगर उसकी बात करें तो वो प्रतिदिन 18 से 22 घंटे तक सोता है, तो ध्यान रखना। चलिए आगे देखते हैं। और नींद जो है बच्चे की जो विकास होता है ना, उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, शिशु बोलने वाले व्यक्ति के उपयुक्त चेहरे के साथ आवाज़ का मिलान करना कब शुरू कर देता है? यानी ये पूछा गया है कि इन्फेंट्स जो है वो किस टाइम के अराउंड मैच करने लगता है वॉइस को फेस के साथ, कि भाई अब ये पापा है सामने तो ये वाले पापा की आवाज़ है, मम्मी की आवाज़ है, तो वो कितना समय लगता है बच्चे को ये चीज़ पहचानने में? ठीक है, तो यहाँ पर सही जवाब आपको बताना है, लगभग 3 से 4 महीने, 6 महीने के बाद, या 2 महीने का होते ही, या 4 से 5 महीने में। तो यहाँ पर हम बात करते हैं, जब बच्चा 3 से 4 महीने का हो जाता है लगभग, तो वो मैच करना शुरू कर देता है आवाज़ को आप किसी पर्टिकुलर पर्सन के साथ, कि भाई ये आवाज़ जो है ये मम्मी की है, ये पापा ने बोला है। ठीक है, तो उनको उसको पहचान होनी शुरू हो जाती है। ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है। अगला है, बंडूरा का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? तो बता दीजिए, बंडूरा महोदय ने कौन सा सिद्धांत दिया था? स्वय सामाजिक सिद्धांत, जिसको हम किसके नाम से जानते हैं, सेल्फ सोशल थ्योरी दी थी इन्होंने, या आत्मसम्मान सेल्फ एस्टीम, या फिर आत्म प्रभावकारिता सेल्फ इफिशियंसी, या फिर सेल्फ रेगुलेशन आत्मनियमन। ये आपको बताना है कि बंडूरा महोदय किससे संबंधित है। ठीक है, फटाफट से अपना ऑप्शन दीजिए। सो गाइज, यहाँ पर सही जवाब है आत्म प्रभावकारिता, जिसको सेल्फ इफिकेसी कहते हैं। ठीक है,
यहाँ पर एफिशिएंसी नहीं होगा, इफिकेसी होगा। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब बंडूरा महोदय क्या थे, किस पर इन्होंने अपना सिद्धांत दिया था? इन्होंने दिया था सोशल ऑब्जर्वेशनल लर्निंग के बारे में। इन्होंने बताया था कि समाज को देख करके, किसी रोल मॉडल को देख करके, उसको इमिटेट करके, उसके बिहेवियर को ऑब्जर्व करके बच्चा सीखता है, ठीक है। इनकी थ्योरी का नाम था सोशल लर्निंग थ्योरी, अगर हम बात करें, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। डैश में एक बच्चा अपने ज्ञान को व्यवस्थित करता है, बच्चा जो सीखता है उसकी तुलना करता है, विस्तृत करता है और संबंधित करता है। यह डोमेन पूरे अधिगम के अनुभव के दौरान संवेगनाओं या संवेगनात्मक क्षेत्रों में वृद्धि की ट्रैकिंग को संदर्भित करता है। तो वो कौन सा डोमेन है जिसमें ये सारी चीज़ें होती है जो ऊपर बताया है कि वो तुलना भी कर लेता है, उसको रिलेट भी कर लेता है, ठीक है। इसके ऑप्शन आपको दिए गए हैं प्रभावी डोमेन, या फिर साइकोमोटर डोमेन जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में भी साइकोमोटर ही कहेंगे। पहला है अफेक्टिव डोमेन, तीसरा है कोग्निटिव डोमेन यानी संज्ञानात्मक, या फिर नॉलेज डोमेन ज्ञान क्षेत्र। तो आपके अनुसार इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा, आपको आंसर करना है। अब यहाँ पर अगर हम क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो यहाँ पर बताया गया है यह डोमेन पूरे अधिगम के अनुभव के दौरान जो संवेगनाएँ होती है ना, यानी उसके इमोशंस होता है, उन क्षेत्रों में वृद्धि की ट्रैकिंग करता है। तो यहीं से हमारे अपना क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख पाएंगे जैसे दिस डोमेन रेफर टू द ट्रैकिंग ऑफ ग्रोथ इन फीलिंग्स और इमोशनल एरियाज थ्रू आउट द लर्निंग एक्सपीरियंस। तो आप ही बता दीजिए कौन सा डोमेन इनमें से इमोशंस और फीलिंग्स से रिलेट करता है। तो वो है भावनात्मक पक्ष, या जिसको कहते हैं अफेक्टिव डोमेन। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, तो देख लीजिएगा। अगर कई बार ऐसा होता है ना, हिंदी में क्वेश्चन ना समझ में आए तो इंग्लिश में देख लिया करिए। भूख लगने पर बच्चा रोने लगता है, थकान होने पर हमें आराम करने का मन होता है, ऐसा व्यवहार क्या कहलाता है? यानी ये जो चीज़ें होती है ये अपने आप ही आ जाती है बच्चे में, इसको सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि वह भूख लगी है तो उसको रोना ही आएगा अगर खाना ना मिले, थकान हो तो नींद आ जाएगी, आराम करने का मन करेगा। तो ये कैसी क्रियाएँ होती है हमारी? ऑप्शन नंबर ए जैविक परिवर्ती जिसको हम कहते हैं बायोलॉजिकल इंस्टिंक्ट्स होते हैं ये हमारे, या फिर रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं यानी किसी चीज़ को देख करके हम वो क्रिया करते हैं, या फिर वृद्धि या अनुभव। तो बता दीजिए, ये तो बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है। तो क्या हमें सीखने की इनको ज़रूरत पड़ती है? नहीं ना, जब सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जन्म से हमारे साथ होते हैं ये आवेग, या फिर आप कह सकते हैं ये व्यवहार खुद ही हो जाते हैं, तो इनको हम जैविक परिवर्ति कहते हैं, ठीक है। आगे हम बात करें, ये हमारी जो प्राथमिक नीड होती है या प्राइमरी नीड्स होती हैं उनको फुलफिल करने के लिए, हम जीवित रहने के लिए, उनको संतुष्ट करने के लिए, जो हमें भूख प्यास, काम करने पर जो थकान होती है ना, नींद आती है, ये सारी हमारी जैविक प्रवृत्ति होती है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बायोलॉजिकल इंस्टिंक्ट्स। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी स्वर ध्वनि जैसी है ना, जब बच्चा रोता है तो स्वर की ध्वनि निकलती है, या जब रंभाना यानी मूइंग करता है तब, या फिर जब बच्चा बबलिंग करता है, बढ़ाता है, या फिर कुड़कुड़ाना जब बच्चा कुइंग करता है। तो यहाँ पर सही जवाब क्या होएगा, जब बच्चा कुइंग करता है ना, कुड़कुड़ाता है, तो उसकी ध्वनि स्वर के समान होती है, जैसे कि वो ई आ ऊ कर रहा हो, ठीक है। तो यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ध्यान रखना इसको, ये भी पेपर में आया हुआ ही है। अगला क्वेश्चन लास्ट है आज का। इस प्रक्रिया में नई जानकारी या नए अनुभव के परिणाम स्वरूप किसी मौजूदा स्कीमा या विचारों को बदलना शामिल है। तो यहाँ पर आपका वही एसिमिलेशन और अकोमोडेशन से दूसरा क्वेश्चन आ गया है, देख लो। और अगर आपने इसका आंसर सही नहीं दिया तो फिर आपकी खैर नहीं है, क्योंकि मैं समझा चुकी हूँ। निम्नलिखित इस प्रक्रिया का एक उदाहरण भी दिया गया है, देखो उदाहरण से समझ लो। टॉम की माँ ने टशम को अपने पड़ोसी के कुत्ते से मिलवाया और उसे बताया कि इस जानवर के चार पैर और एक पूंछ है, ठीक है। कुत्ते को दिखाया और समझा दिया कि चार पैर है, एक पूंछ है। अगली बार उसने सड़क पर एक बिल्ली को देख लिया, उसने कहा कि भाई देखो माँ, वो कुत्ता जा रहा है। अब उसकी माँ उसे बोली कि बिल्ली है और ये तो बिल्ली है, और बिल्ली और कुत्ते के बीच में वो फ़र्क समझाती है। अब टॉम को बिल्ली और कुत्ते के बीच
जो है समझाने के बाद अंतर कर पाता है, तो इस प्रक्रिया को आप क्या कहेंगे? इसको आप संतुलन कहेंगे या फिर आत्मसातीकरण कहेंगे, स्कीमा कहेंगे, समंजसन कहेंगे, ठीक है, एसिमिलेशन कहेंगे, अकोमोडेशन कहेंगे, स्कीमा कहेंगे, क्या कहेंगे? कुछ तो बताओ क्या कहोगे, ठीक है जी। यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा? अकोमोडेशन। अकोमोडेशन यानी समंजसन, ठीक है, अकोमोडेशन ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। मैंने आपको बताया था कि समंजसन करने में या फिर अकोमोडेशन करने में क्या होता है, चेंज करना पड़ता है। जब हमारी प्रीवियस नॉलेज गलत हो जाती है, वहाँ पर जब हम उसको मॉडिफाई करते हैं, ठीक है, वो हमारा क्या कहलाता है? अकोमोडेशन कहलाता है, समंजसन कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। आई होप आपको समझ में आई होंगी चीज़ें, क्लियर हुई होंगी, ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। सो गाइज, आज की क्लास को हम यहीं तक रखेंगे। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अपने दोस्तों को भी अपने ग्रुप्स में शेयर करिए ताकि आपको मैं और भी अच्छा मटेरियल लेकर आ सकूँ आपके लिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।